बैक टू माई चैनल। मैं हूँ सुगमा और मेरे चैनल पर फिर से एक बार आपका स्वागत है। तो अगेन आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है बिकॉज आप लोगों की बहुत सारी फरमाइश पे मैं आज का ये वीडियो लेके आई हूँ, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका कंटिन्यू मेरे पास मैसेज और मेल आ रहा है कि सुगम आपने हमें लंच बता दिया, ब्रेकफास्ट बता दिया, लेकिन डिनर में कोई भी अभी तक ऐसी चीज़ नहीं बताई है जो टेस्टी भी हो, हेल्दी भी हो और जीरो कैलोरी जिसे मैं बोलूँ फूड हो, बहुत ही नाम मात्र की उसमें कैलोरी हो और सबसे बड़ी बात चटपटी, क्योंकि इंडिया में जो लोग भी रहते हैं वो कहीं ना कहीं चटोरापन उनके अंदर आ ही जाता है और वो चटोरापन अक्सर नाइट में आता है, इवनिंग में आता है। तो इसीलिए इस डिश को मैं खोज के आप लोगों के लिए स्पेशली लेके आई हूँ कि इस चटोरी जबान को किस तरह से आप शांत करके लेकिन फिर भी आपका वेट गेन नहीं हो, इवन वेट लॉस हो, बिकॉज रात का खाना कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है आपके वेट गेन के प्रोसेस में। यानी कि अगर रात का खाना आपने कुछ भी गलत खाया तो वो वेट गेन करेगा ही करेगा, और ये जो खाना है चटपटा सा स्वादिष्ट सा ये वेट कम करेगा ना कि बढ़ाएगा। और इसे खाने का कोई टाइम नहीं है, आप 9 बजे खा सकते हैं, 8 बजे खा सकते हैं, इवन 9:30 तक भी आप इसे खा सकते हैं, वेट ट्रस्ट मी गाइस बिल्कुल भी गेन नहीं होगा, इवन लॉस होगा ही होगा। लेकिन उससे पहले प्लीज़ करके मेरे न्यू चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करिए, लिंक मैंने नीचे दिया हुआ है, जाके वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। और इस फूड को मैं आज भी प्रेफर करती हूँ, और जब मेरा वेट काफ़ी था 78 kg था, धीरे धीरे करके जब मैं 70 पे आ गई थी उसके बाद इस डिश को मैंने नाइट में लेना स्टार्ट कर दिया था, बिकॉज बहुत ज़्यादा फाइबर की ज़रूरत होती है आपको अपने पेट कम करने के लिए, अपनी बॉडी को कम करने के लिए। तो ये लॉट्स ऑफ फाइबर वाला भी खाना है जिसे खा के आप अपना पेट टमी एरिया फैट बहुत तेज़ी से बर्न कर सकते हैं। तो मेरे साथ ये प्लस पॉइंट था कि मेरा आफ्टर प्रेगनेंसी पेट बहुत ज़्यादा हो गया था, जिसकी वजह से मुझे लॉट्स ऑफ फाइबर ऐड करना ही करना था अपनी डाइट में। तो इस डिश ने मेरी काफ़ी हेल्प की उस फाइबर को, उस फाइबर का जितना भी परसेंटेज मुझे लेना है उसको कंप्लीट करने में। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और चलिए चलते हैं। भी इंग्रेडिएंट हैं बहुत ही कॉमन है, हर चीज़ आपके घर में है। मीडियम साइज़ का एक प्याज है, एक मिर्च है, एक मीडियम साइज़ का टमाटर लिया है मैंने, अदरक और लहसुन लिया है खूब ढेर सारा, और बहुत ही छोटा पीस मैंने यहाँ पे कद्दू का लिया हुआ है यानी पम्पकिन का लिया हुआ है। और आपको पता है आधा कप कद्दू में सिर्फ 40 कैलोरी होती हैं, 40 कैलोरी होती हैं, इसलिए ये नाइट का बेस्ट है, इसको खाने से आपका बिल्कुल भी वेट नहीं गेन हो। मैं पम्पकिन की बात करूं या कद्दू की बात करूं तो ये फाइबर काफ़ी मात्रा इसमें फाइबर होता है, कॉपर होता है, जिंक होता है, कैल्शियम होता है, प्रोटीन होता है, सब कुछ है इसमें। तो ये एक मील आपके लिए काफ़ी अच्छी रहेगी नाइट में, और आधा कप कद्दू में सिर्फ 40 कैलोरी होती हैं, और ये आपके पेट को भी काफ़ी देर भरा हुआ फील कराएगी। बनाना स्टार्ट करते हैं। एज़ यू नो मैं हमेशा ही ऑलिव ऑयल का यूज़ करती हूँ अपने खाने में, तो हाफ टेबल स्पून मैं यहाँ पे ऑयल लूँगी, जिसको थोड़ी देर गर्म होने के बाद मैं इसमें जीरा डालूंगी, हाफ से भी कम मैं इसमें जीरा डालूंगी, और उस जब वो अच्छे से भुन जाएगा तो जब देखिए मेरा ऑयल हो चुका है और मैं इसमें थोड़ा सा जीरा डालूंगी, और आपको पता है कि जीरा भी वेट लॉस का काफ़ी अच्छा तरीका है। इसके बाद मैं अदरक और लहसुन डालूंगी, और इसके बाद मैं इसमें प्याज डाल दूंगी। इन सारी चीज़ों को मैं अच्छे से पकाऊंगी, तो मैं इसमें प्याज ऐड करने के बाद इन सारी चीज़ों को थोड़ी देर ब्राउन होने तक इसे चलाऊंगी ताकि तीनों चीज़ें अच्छे से पक जाएं। Just
सो मेरा जो प्याज है वो लाइट ब्राउन हो चुका है, तो अब मैंने इसमें एक मीडियम साइज़ का टमाटर ऐड किया है। और मसाले के लिए मैं यहाँ पे जो सब्जी मसाला होता है, क्योंकि उसका टेस्ट काफ़ी अच्छा होता है, तो वो सिर्फ मैं ऐड करूँगी और कोई मसाला इसमें नहीं ऐड करूँगी। और एज़ यू नो, नमक मैं हमेशा ही सेंधा नमक यूज़ करती हूँ, जिसे रॉक सॉल्ट भी कहते हैं, पिंक सॉल्ट भी कहते हैं, समुद्री नमक भी कहते हैं, सारे नामों से जाना जाता है। तो जिसके यहाँ जिस नेम से जाना जाता है वो इस नेम से इसे परचेज़ कर सकता है। तो हमेशा चाहे दिन का हो चाहे रात का हो, मैं यही खाती हूँ। जिन लोगों को लंच में भी कुछ ना समझ में आए तो उसे ये ट्राई कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, क्योंकि आप चाहे इसका सूप बनाएं चाहे एज अ सब्जी बनाएं, तो आगे मैं बताऊंगी कि किस तरह से आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो अब मैं इसमें कद्दू डाल दूंगी और 2 कप पानी डालूंगी और लगभग इसमें 3 सीटी में अच्छे से लगाऊंगी, ताकि सब कुछ अच्छे से मिल जाए, आपस में सारी चीज़ें कम्बाइंड हो जाए। तो थोड़ी देर सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करिए और उसके बाद मैं 2 कप इसमें पानी ऐड करूंगी। और अब मैं इसमें 3 सीटी ढक्कन बंद करूंगी और 3 सीटी आने तक वेट करूंगी। तो 3 सीटी आने के बाद इसका जो है वो देखने में ऐसा रहेगा। तो अब आप इसे थोड़ा सा अपने चम्मच की हेल्प से कर दीजिए। आप चाहें तो हैंड ब्लेंडर का भी यूज़ कर सकते हैं, मिक्सी का भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मुझे उतनी ज़्यादा थिक फॉर्म नहीं पसंद है, इसलिए मैं सिर्फ स्पून से ही इसे मैश करती हूँ। और फ्रेंड्स, यकीन मानिए, खाने में बहुत टेस्टी है। जिनको भी नमकीन की क्रेविंग है, जिनको भी तीखे की क्रेविंग है, ये उसको पूरा करेगा और आपको वेट बिल्कुल भी गेन नहीं होगा। फ्री होके खाइए। बस एक बात ध्यान रखिएगा कि इसको 8 बजे तक फिनिश कर दीजिए और एक बाउल भर के खाइए। कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली है, यहाँ तक कि आपकी स्किन भी ग्लो करेगी, आपके नेल्स भी काफ़ी अच्छे हेल्दियर वे में। लॉट्स ऑफ विंड में लॉट्स ऑफ मिनरल्स के साथ ये भरपूर जो डिश मैं आपके लिए स्वादिष्ट और टेस्टी से लेके आई हूँ, इसे खाइएगा जरूर और वेट लॉस भी करिएगा इस डिश के साथ। और आपको अगर वीडियो जरा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पसंद आया हो तो फटाफट से सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ बहुत ही जल्दी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।